तो इसके अंदर जो हमारा सुपरवाइजर का सिलेबस है उसमें आपको पता है कि आपका जो एक टॉपिक है ये सब तो आपको पता है, आपको टीचर्स अलग अलग करवाएंगे, इसके बारे में आपका डिस्कशन हो गया। बट दिस लास्ट टॉपिक स्पेशलाइजेशन, जिसमें अलग से 60 मार्क्स है, ये आपका गेम चेंज करेगा एग्जाम में, क्योंकि इसी से ये मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सिलेबस मुझे ऐसा लगता है सबने देख लिया होगा, बट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सामने देखेंगे। स्पेशलाइजेशन में हमारे पास सामने 6 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 10 नंबर। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई यूनिट कम इम्पॉर्टेंट है, सारी यूनिट बिल्कुल इक्वल नंबर में इम्पॉर्टेंट है, तो हमें सारी ही कवर अप करनी है। ठीक है, और इसमें जो भी है ये सारी हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, हम आगे पीछे कुछ भी नहीं करने वाले, सारी की सारी यूनिट्स को सीक्वेंस वाइज बढ़ाएंगे आगे। जैसे सबसे पहली यूनिट, ये सबसे पहली यूनिट हम लोग यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। यूपीएससी का जो पेपर 1 में टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी, ये उसी का सब्जेक्ट है पूरा। सोसाइटी के बारे में, क्या है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इन तीनों में जो आपके सामने लिखा है इन तीनों की आपको पढ़नी है डेफिनेशंस की क्या होती हैं, और अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग पीपल ने इसको लेकर के क्या कोट्स दिए हैं। ठीक है, वो हमें पढ़नी है यहाँ पर, कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, कोटेशंस दी हैं इसको लेकर के। तो वो इसमें पूरा पढ़ते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी और कम्युनिटी कैसे डेवलप होते हैं विद टाइम, वो सब चीजें इसमें, समझ रहे हो। सोसाइटी आपको पता है क्या होती है, जिसमें हम रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे एसोसिएशंस कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट, इनके टाइप्स, वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेकेंड वाली ये पॉइंट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिविजन, मतलब सोसाइटी में कास्ट और क्लास के बेस पे कैसे कैसे लोगों को डिवाइड किया गया है, वो हमें इसमें पढ़ना है कि हाउ पीपल आर बीइंग डिवाइडेड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर मैं कास्ट की बात करूं तो इंडिया में पीपल एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, कब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, कब से चलता आ रहा है, कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए किस प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है, कौन से इनिशिएटिव लिए हुए हैं। ठीक है, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, मंडल कमीशन इसमें आएगी, वो हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, आप लिख सकते हो ये चीजें कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, वो आप लिख भी सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ एक समझा रही हूँ कि स्पेशलाइजेशन में पढ़ना क्या है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इट डील्स विद। ओके, एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में डिटेल में सारी चीजें आएंगी कि भाई कास्ट का क्या है, कास्ट का पैटर्न क्या है इंडिया में, और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इनके लिए सरकार ने कौन सी स्कीम्स को स्टार्ट करा। ट्राइबल पीपल है, जैसे ट्राइबल पीपल के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सी कमीशंस हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ऐसी कमीशंस हैं इंडिया में जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं पीपल के लिए काम करती है, तो वो हमें डिटेल में देखनी होगी कि भाई ऐसे ऐसे है, समझे। क्लास, क्लास के बारे में जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, बहुत पुराना सिस्टम है, 4 डिवाइड करके जो बनाया गया है, आई होप सबको पता होगा इसके बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 जो क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही पुरानी है, इवन इट इज मेंशनड इन दी वेद ऑल्सो, इतना पुराना ये सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम्स है इसके बारे में पढ़ना है इसमें, कि ये सिस्टम में ऐसा क्या बताया गया है। ठीक है ना, मतलब बहुत पुराना सिस्टम है ये, आज भी एग्जिस्ट करता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि आज भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला कई जगह पे ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना डिटेल में ये पढ़ेंगे सोसाइटी में क्लासेस। और एक चीज बता दूं,
आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग मुझे पता है कि पूछेंगे मैम कि कौन सी हम लोग जो है बुक्स वगैरह को फॉलो करें, तो वो भी बताऊंगी मैं। वैसे तो नोट्स मिलेंगे आपको, पूरे नोट्स मिलेंगे, और साथ में एनसीईआरटी क्लास 12th की बेस्ट है, ठीक है। क्लास 12th की एनसीईआरटी है, इंडियन सोसाइटी के नाम से, उसका नाम ही इंडियन सोसाइटी, वो बेस्ट है, ठीक है ना। तो क्लास के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास में और क्या क्या आता है, क्लास में एक तो ये डिवीजन होगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पुरानी सिस्टम है ये वाला। और दूसरा यहाँ पे आता है एक तो क्लास, आपने सुना ही होगा, अपर मिडिल और लोअर क्लास, ये तो सबने ही सुना होगा है ना। तो वो है सोशल क्लास, ये भी कहलाती है कई बार। क्लास मतलब कि आप डिवाइड कर दो तो लोगों को, कोई ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आपने डिवाइड कर दिया कि भाई कोई रिच है तो वो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ऐसा इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं हम लोग क्लास के एग्जाम्पल्स। इंडिया में इंडियन की क्लासेस में यही आते हैं, और चार जो मैंने आपको बताए थे दोनों ही आते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट लोग होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट, क्षत्रियो दैट मीन्स रूलर्स, वॉरियर्स, वैश्य मीन्स फार्मर्स आर्टिस्ट, एंड शूद्र आदि लोअर क्लास, और यू कैन से द लेबर क्लास पीपल। तो ये है सिस्टम। तो जब भी आप कास्ट और क्लास पढ़ेंगे आपको यही सिस्टम के बारे में स्टडी करना है जो मैंने अभी बताया है, जितने जितने अभी बताया मैंने आपको, एससी एसटी ओबीसी, एंड वो जो चार बताए मैंने अभी आपको, क्षत्रिय शूद्र वैश्य और अपर मिडिल लोअर, ये होते हैं जो हमें कास्ट और क्लास और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में डिटेल में स्टडी करने होते हैं। मिडिल क्लास कैसे होंगे, ये आइडिया कौन लेके आया कि मिडिल क्लास रहेंगे अपर क्लास रहेंगे, ये शब्द किसने दिए, ठीक है। ये क्लास में अलग अलग और भी डिविजन है, एग्रीकल्चर की क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, ये सब डिविजन्स कैसे आया, किसने ये शब्द दिए, वो सब कुछ पढ़ना है। डिविजन्स पढ़ेंगे, ये वर्ड किसने दिए, है ना, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, क्लियर हुआ ना, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या पढ़ना है। फिर आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, पहले तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है शब्द का। फिर इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, फोक वेज एंड मोर, मोर का मतलब है यहाँ पर कि सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी बातें। सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि इंडिया में, इंडिया की सोसाइटी में किस किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, मतलब कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पता है सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम रहते हैं, हमारी फैमिली, सबसे पहला है ये, इसे कहते हैं फैमिली, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूट। फिर फैमिली के बाद मैरिज, शादी, एजुकेशन, ये सब है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कैसे आए ये, इनका क्या डेफिनेशंस होते हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, ठीक है। यही आप लोगों को पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स क्यों है ऐसा, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। मतलब तो हम लोग ये जो टॉपिक है ना, ये पांचों, ये आप जीएस के पेपर वन में भी पढ़ते हो, मैंने बताया ना यूपीएससी के पेपर वन में क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसमें भी पढ़ते हो। और जिन स्टूडेंट्स का यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है वो भी इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके टॉपिक्स का बेस ही यही होता है, ठीक है। वैसे तो देखो वो टॉपिक में अलग से मैरिज फैमिली दिया हुआ है और किनशिप दिए हुए हैं, उसमें भी पढ़ेंगे और अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है इंडिया में, लैंग्वेज का अलग है, इन सब के अलग है, तो इन सबको भी पढ़ेंगे। फिर मैरिज, मैरिज से जुड़ी हुई सारी चीजें। अच्छा मैरिज में पता है ये नहीं पढ़ने वाले कि शादी कैसे होती है, इसमें बताया जाएगा भाई कि पहले के टाइम पे क्या चेंजेस होते थे, अनुलोम प्रतिलोम मैरिज, और आज के टाइम की मैरिज में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें इसमें आती है, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ते हैं इसके अंदर। ऐसे ही किनशिप, किनशिप का भी टॉपिक रहेगा, ओके। मतलब हम सीक्वेंस वाइज इसमें बढ़ेंगे, पहले मैरिज का स्टार्ट करेंगे, मैरिज में वही जो मैंने आपको बताया, पहले के टाइम पे अपर और लोअर क्लास की जो मैरिजेस होती थी उसको किस तरीके से रखा जाता था, पहले के टाइम पे अलाउड नहीं था,
कि कोई अपर क्लास गर्ल, अपर क्लास फीमेल कैन मैरी अ लोअर क्लास बॉय, दिस वॉज नॉट अलाउड, वो मैरिज मानी नहीं जाती थी। तो वो सब जो था वो टाइप में क्या आता था, ठीक है, तो वो सब जो है चेंजेस, और इसको कब चेंज किया गया, एक कब कौन से एक्ट में लिखा गया, वो सारी चीजें, वो सब चीजें पढ़नी होती हमें, ठीक है। ऐसे ही किनशिप, किनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप विद योर ब्लड रिलेशंस एक तरीके से, ठीक है, ब्लड रिलेशंस कहते हैं इसको। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप्स पूछे जाते हैं। तो किनशिप का मतलब समझो, पहले तो किनशिप का मीनिंग होता है जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशंस के थ्रू अपनी रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइक वी आर हैविंग ब्लड रिलेशनशिप विद व्हाट, आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, कजन, सिस्टर, ब्रदर, नेफ्यू, नीज, राइट। तो ये जो है ना, ये सब आते हैं हमारे किनशिप सिस्टम में। तो ये किनशिप में सबसे पहले टाइप्स आते हैं, प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप, टर्शरी, किसने डिवीजन दी है वाली, ठीक है। प्राइमरी में क्या आएगा, सबसे पहली, सबसे बिल्कुल प्राइम जो होती है हमारी किनशिप में, मदर, फादर, है ना, सबसे क्लोज रिलेशनशिप तो इन्हीं के साथ होती है, हमारी माता पिता के साथ। तो मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, ठीक सन, डॉटर, है। राइट। तो इन सब के साथ जो होती है, वो सब चीजों के बारे में पढ़ना है, और किस किस पर्सन ने किनशिप के ऊपर क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्या क्या चीजों के बारे में बोला है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसके टाइप्स बहुत सारे हैं किनशिप में। एक्चुअली में क्वेश्चन ना सिर्फ टाइप से आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज दिस काइंड ऑफ किनशिप नोन एज, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये एफिनल किनशिप है, कॉन्सेजियस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वो सब जो होती है वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, अभी मैं नहीं करवा सकती बिकॉज वो लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मदर की साइड की किनशिप रिलेशनशिप अलग कहलाती है, फादर की साइड की रिलेशनशिप अलग कहलाती है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप। ये मत सोचना कि इसमें तो क्या ही पढ़ेंगे, है इसमें भी पढ़ने के लिए काफी कुछ है, ठीक है। नोट्स मैं क्लास में लिखवाऊंगी, ठीक है। इन सब के लिए जो भी डेफिनेशंस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, वो मैं लिखवाऊंगी क्लास में, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ इसमें मैं लिखवाऊंगी, बस आपको क्लास में डेली आके प्रॉपरली नोट्स को एस्टेब्लिश करना है आपने, ठीक है। ऐसे ही फैमिली, आई होप एवरीवन नो, सब सब जानते हैं फैमिली बेसिक यूनिट है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पैट्रिलोकल फादर की साइड से, मैट्रिलोकल मदर की साइड से, ठीक है, नियोलोकल जब मैरिड कपल इंडिपेंडेंटली रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है, पेट्रियार्कल जिसमें फादर की चलती है सारी प्रॉपर्टी, फादर की डेथ के बाद सन को मिलती है, वो टाइप होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं इसके अंदर, मैं जो बताऊंगी करेंगे जो क्लास में, काफी सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब फैमिली के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन टाइप्स पे आते हैं, इन तीनों में तो टाइप्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ तक। अगला हमारा यूनिट में टॉपिक है लास्ट, सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में चेंज कहाँ पे आ रहा है। तो सोसाइटी में हमारा जो चेंज आ रहा है वो तीन टॉपिक्स की वजह से आ रहा है। पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, मतलब कि भारत में ही चीजें बननी शुरू हो गई है, तो उसके ऊपर बनेंगे, पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और ये सोसाइटी में कैसे चेंज लेके आया, हाउ, हाउ का जो टॉपिक है ना वो आप यहाँ पे पढ़ो। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंज आ रहा है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हमारे को एग्जाम एग्जाम में सीधा सीधा हमसे बोल दिया गया है कि इन तीन की वजह से आपको पढ़ना है, तो हम ये तीनों के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे आया, जब जब पूरी की पूरी जो हमारी लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज की तरह शिफ्ट होते गए। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण हिंदी में कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा वर्ल्ड एक साथ कलेक्ट हो गया है, एक साथ जुड़ गया है, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वी विल स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। तो यूनिट 1 में ये आपके टॉपिक्स हैं सारे,
ठीक है भाई, हम यूनिट वाइज ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में जेंडर के ऊपर है, यूनिट 3 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, राइट्स के ऊपर है बेसिकली वो यूनिट्स। यूनिट 4 में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके टाइप्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या होता है, क्या सबमिट्स हैं इनके, ठीक है। उसके बाद 5th में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिटनेस के ऊपर है। यूनिट 6 में सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स। यूनिट 6 जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारे अभियान को पढ़ना है। आप पढ़ो इधर, देखो कितने सारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आपके लिए रहेगी ना, वो यूनिट 6 से रहने वाली है, क्योंकि यूनिट 6 में सब कुछ आप देख रहे हो कि कितना वैसा पूछा गया है ना। आप देख सकते हो अपने आप ही सिलेबस में। इसमें नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, ओल्ड एज प्रोग्राम्स, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, ये सब है एक्चुअली में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो पोषण वाला, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, आंगनवाड़ी सर्विसेज, लाडली बेटी स्कीम, तो ये सब आपको स्कीम्स हैं। कब इनमें पता है क्या पूछा जाता है कि स्कीम स्टार्ट कब हुई थी, आपको सीक्वेंस दे देंगे 4-5 स्कीम्स का, एंड दे विल आस्क अरेंज दिस इन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कब कौन सी स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4 लगा के ऐसा आते एग्जाम। आंगनवाड़ी सेंटर कब खुले, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कौन इसमें मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर पैसा दे रही है, सेंटर और स्टेट में किसका ज्यादा शेयर है, ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है इसको संभालने वाले, ठीक है। क्रेच के ऊपर पूछ लेंगे, जैसे अभी यूपीएससी में भी क्रेच पे क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी आ सकता है क्रेच के ऊपर क्वेश्चन। तो ये है आपका सिलेबस, आप देख रहे हो ना सिलेबस को, ठीक है। मैंने आपको भी यूनिट 1 डिटेल में बताइए, बिकॉज हम यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने वो आपको समझाई है। ये तो सिर्फ आपको मैं एक सिलेबस दिखा रही हूँ। आज की क्लास से हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये सब स्टार्ट करने शुरू कर देंगे। और कैसे करना है क्या है मैं बता देती हूँ। यूनिट 1 के लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो एनसीईआरटी क्लास 12th की फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो भी मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी क्लास में, नोट्स भी 2 तरीके के होंगे, एक क्लास में लिखवाने वाले और एक आपको व्हाट्सएप या ऐप पे अपलोड होने वाले, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में सेम भी हो सकते हैं, कुछ में और डिटेल में भी हो सकते हैं, तो ये सब टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है। और फिर आपको जैसे थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो उससे जुड़े हुए आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कितना आता है, ठीक है। एक एक यूनिट को पकड़ते जाओ, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते जाओ, उससे इजी हो जाएगी आपकी पूरी प्रैक्टिस करनी, समझे समझे। और बाकी यूनिट्स पर अभी मैं नहीं आ रही, ठीक है, मैं वो आपको नहीं बता रही क्या क्या करना है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करेंगे, इसमें टाइम लगे। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए ये रेफरेंस भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब आप बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट। ये सुपरवाइजर की क्लास है, तो जो भी सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही रुके, मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए ही मैं कह रही हूँ। हाँ, कई बच्चों का मैसेज भी आया, तो सुपरवाइजर वाली क्लास है ये, जिसका भी यहाँ पर सुपरवाइजर का सब्जेक्ट है सिर्फ वही रुके, बाकी सब जा सकते हैं। हाँ जी, अब पूछिए भाई, अपने डाउट्स पूछिए पहले मुझसे। आई वॉन्ट कि आप लोग डाउट्स पूछो कि मैम इसमें क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे डाउट्स लेके आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो देखो यार, ये जो सुपरवाइजर है ये फीमेल की ही पोस्ट है, तो इसमें मेल्स तो कोई होंगे नहीं क्लास में, ऑलमोस्ट सब फीमेल्स ही हमारी क्लास में रहेंगी। एनटी की क्लास नहीं होगी मैम अरशद, अभी तो ये चल रही है सुपरवाइजर की मॉर्निंग में इस समय, कि सुपरवाइजर के लिए भी तो स्पेशलाइजेशन का बच्चों को बताना है, इसलिए एनटी की क्लास शाम में होगी, इवनिंग में होगी, ठीक है, अभी सुपरवाइजर की चल रही है। ये तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लीव कर सकते हो। मैम आप कंटिन्यू करें, हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर, एवरीवन मेक अ हेडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी।
मैं क्या, हेडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी इन योर नोट्स, ठीक है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये देगी कि यूनिट वाइज ही आगे बढ़े, बिकॉज वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सोसाइटी वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत हम लोग करंट अफेयर से भी डील करेंगे, जो ऐसी चीजें जो करंट अफेयर से पूछी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत मैं वैसा भी आपको करवाऊंगी उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन मेक अ हेडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी इन योर नोट्स, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ सोसाइटी, ठीक है ना। चलो लेट अस स्टार्ट। नोट्स की हेल्प से ही लिखेंगे पूरा, मैं आपको लिखवाऊंगी साथ साथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, एंड इनमें क्या क्या डिफरेंट कोटेशंस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। मैं पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसी की आप हेडिंग बना लीजिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले तो सोसाइटी, और सोसाइटी भी हम लोगों को इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है डिटेल में। सो सोसाइटी, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो वो तो पहले तो एक डेफिनेशन आई एम राइटिंग, वो लिखनी है। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या मिक्सचर आते हैं। इंडियन सोसाइटी इज अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ, मल्टी कल्चरल। इंडियन सोसाइटी इज अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक। क्या डिफरेंस है मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक में, वो भी समझेंगे। मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। शेप्ड बाय वसुधैव कुटुंबकम। वॉट इज द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, एंड वेयर यू हैव सीन दिस लोगो रिसेंटली। रिसेंटली वेयर यू हैव सीन दिस लाइन, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वेयर यू हैव सीन दिस इन द रिसेंट टाइम्स। Anyone from you? Because this is very much important. Vasudev Kutumbakam, no idea. Are G20? Have you heard about G20? Everyone? Group of 20 countries, have you heard about them? Yes. So the logo or the main objective of the complete G20 was this. The main objective, the main tagline, the tagline of G20 itself was the Vasudev Kutumbakam. Okay, so you can write it down in your notes, Vasudev Kutumbakam bracket tagline of G20. Tagline of G20, it is a, likho, it is a Sanskrit word. Vasudev Kutumbakam is a Sanskrit language word. When in English, it translates to as, what is the meaning of in English? One family, one earth, one future. That means we are treating our country as the topmost. India is, or the country of India, it is at the topmost. Okay, write it मैम down. रिपीट, It is a मैम Sanskrit एक word. बार रिपीट। I have already written that. You can write down. It is a Sanskrit word used in G20 summit, which means, यहाँ पे लिखा है सामने देखेंगे, one family, one earth, one future. One family, one earth, one future.
ओके, सो मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम पूछा जा सकता है, वासुदेव कुटुंबकम का रिसेंटली यूज कहाँ पे हुआ था वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो सोसाइटी जो है ना उसमें दो वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, मल्टी कल्चरल है यहाँ पर, मल्टी एथनिसिटी है यहाँ पर, मल्टी आइडियोलॉजीज है, बिल्कुल है। आप सब लोग, एवरीबडी फ्रॉम यू विल अग्री विद दीज। इंडिया में ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में ये मिलता है, ठीक है। अब क्या है इसका मीनिंग, क्या क्या चीजें आती हैं, अब वो सब डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पे मल्टी कल्चरल है, मल्टी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी समझना है। डाइवर्सिटी लिखवाऊंगी मैं आपको नोट्स में। डाइवर्सिटी कितने सारे टाइप्स की है अपने इंडिया में, वी रेस अलग है, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, लैंग्वेज, है या नहीं है? बिल्कुल है। आप अपनी अपनी क्लास में देख लो, हमारी क्लास में भी डाइवर्सिटी कितनी है ना। कोई डिफरेंट रेस का हो सकता है, कोई डिफरेंट कास्ट का हो सकता है, क्लास का हो सकता है, रिलीजन, लैंग्वेज, जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो इस हिसाब से जो पूरा का पूरा यहाँ पर सोसाइटी है वो इसी से बना। इवन हमारी क्लास तक किस तरीके से बनी है, तो सोचो जरा सोसाइटी में तो कितने लोग रहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से होंगे, है ना। तो सबका यहाँ पर ये जो यही है ना, जो एक सिस्टम जो अलग अलग है उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया, मैं बता दूं ये फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है, तो आप सब लोग जिसके जिसका ये सब्जेक्ट नहीं है वो यहाँ से लीव कर सकता है, ये फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है। ओके, मॉर्निंग में, तो आप लोग जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है दे कैन लीव दिस। ओके, ओके, आगे देखेंगे, ठीक है भाई। ये लिखना नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगी, आपने क्या लिखना है वो लिखिए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये लिखते जाइए, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इंडियन सोसाइटी पजेस अ ग्रेट हेरिटेज कल्चर, राइट। सब लोग देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे भी, सब लोग खूब देखते होंगे भाई कि कितना ज्यादा हमारे इंडिया में हेरिटेज देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हेरिटेज है, हर जगह पे डिफरेंट है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हेरिटेज कल्चर हमें देखने को मिलेगा, तो इसे ही बोला जाता है डिफरेंट हेरिटेज कल्चर, तो इंडिया में है। ओके, उसके बाद जब से इवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी बहुत चेंज हुई है, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इट हैज एकोमोडेटेड, इट हैज एकोमोडेटेड एंड इंटीग्रेटेड मेनी कम्युनिटीज। एंड इंटीग्रेटेड मेनी कम्युनिटीज टाइम टू टाइम। सो विद टाइम बहुत सारी कम्युनिटीज नई नई डेवलप हुई हैं, विद टाइम ये सब चीजें इंक्रीज हुई, राइट। विद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले की सोसाइटी कैसे थी और आज की सोसाइटी कैसे है। सोसाइटी आज और पहले की ऑब्वियसली डिफरेंट थी, हम कहते हैं ना कि भाई यार पहले की जमाने में ऐसा था, आज के टाइम पे ऐसा है, तो सोसाइटी का डिफरेंस आया है, सोसाइटी डेवलप हुई है विद द टाइम, राइट। ये लिखो यहाँ तक, फिर इसमें इंपॉर्टेंट और चीजों को पढ़ते हैं। ये थी सोसाइटी की डेफिनेशन, इसमें और कुछ नहीं था, बस अभी तो सोसाइटी की डेफिनेशन देखी है। अब हम मेन चीजों पे आएंगे कि सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं, सोसाइटी में और क्या क्या चीजें होती हैं, अब वो हम डिटेल में यहाँ पे आएंगे।
कहाँ तक हो गया अभी? बढ़े आगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी सोसाइटी के फीचर्स, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फीचर्स को लिखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैं फिर बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ये सुपरवाइजर की क्लास है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं जिनका सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं है, एनटी का समझ के आए हैं, वो क्लास को लीव कर सकते हैं। ये सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है। हाँ भाई, फीचर्स क्या क्या है? आप लोगों ने फीचर्स ऐसे लिखने हैं नोट्स में भी, मैं बता रही हूँ। सबसे पहला फीचर सोसाइटी का, डायनामिक, ट्रेडिशनल विद मॉडर्निटी, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। या प्लीज म्यूट रखिए सब लोग अपने आप को। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कास्ट एंड क्लास, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। ये मैं आपको जो पूरा पढ़ा रही हूँ इस पूरे टॉपिक में, ये यूपीएससी लेवल का है, ठीक है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके बाहर और कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल अप लेवल का पढ़ेंगे डिटेल में, सो दैट कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका बन जाए, ठीक है। सोसाइटी का यूपीएससी लेवल रहेगा पूरा का पूरा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि कौन सा क्या टॉपिक क्या कैसा, पूरा डिटेल में करवा रही हूँ मैं, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक, रूरल एंड एग्रीगियन, ये है इंडियन सोसाइटी के फीचर्स। राइट डाउन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हो गए। और एक और ऐड कर दीजिएगा, रिलीजन्स। लिखिए इस पूरे को। टेल मी एनी डाउट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब क्लियर है? मैम हाँ, तो मुझे ये वाला, हाँ मैं अब इस वक्त तो बोल नहीं रही थी कि ये फीचर्स जो मैं बता रही थी कि ये सब फीचर्स आपको लिखने हैं। एक हम अलग से पढ़ेंगे कि भाई इस सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो एक अलग टॉपिक रहेगा, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसी में ही आएगा वो। इंडियन सोसाइटी में ही टाइप्स वाइप्स के बाद एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो याद रखना कि ये टॉपिक भी हमको कवर अप करना है, मतलब मैं बता दूं आपको कि यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे राइट, हम लोगों ने वापस से वही स्टार्ट किया हुआ है, ये आपके सामने अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। तो
मैं आपको बोल रही थी कि आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उसको लिखेंगे, मेक अ हेडिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम पहले तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीनिंग कितने कितने टाइप्स की हो सकती है डाइवर्सिटी, इंडिया सोसाइटी में किस तरीके की डाइवर्सिटी है। राइट डाउन, इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द, इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द, इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द सोशली एंड कल्चरली मोस्ट डाइवर्स कंट्री। सोशली एंड कल्चरली मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज, राइट। कैसे? डाइवर्सिटी की भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे कि सबसे पहली फॉर्म है रेशियल और एथनिक फॉर्म डाइवर्सिटी की, लिंग्विस्टिक फॉर्म, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। तो ये तो अपने पास टाइप्स हैं, साफ साफ ही हमारे पास ये वाले टाइप्स हैं। लिख लीजिए ये टाइप्स, इसमें से वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको सबसे पहला कराऊंगी इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होती हैं, इंडिया में कैसे प्रिजर्व किया जाता है उन सब के लिए, वो सब स्टेप्स देखेंगे इसमें। ठीक है, लिखिए इसको आप पहले तो, मेक अ हेडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब कि लैंग्वेज के बेस पर इंडिया में किस किस टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर प्रॉपरली फैक्ट्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे, पूरे फैक्ट्स देखेंगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कितनी? 1600, राइट डाउन। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री विद ओवर 1600 लैंग्वेजेस, 1600 लैंग्वेजेस। मैम रिपीट करें। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री विद ओवर 1600 लैंग्वेजेस, विद ओवर 1600 लैंग्वेजेस। एंड दिस ऑल्सो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, एंड दिस ऑल्सो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। आई हैव रिटन द वर्ड यूनेस्को हियर, यू कैन सी देयर, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को फुल फॉर्म आई एम राइटिंग हियर, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनली साइंटिफिकली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस फ्रांस, विच इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस नेम यूनेस्को। ओके, राइट डाउन। ओके, सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज के बारे में क्या क्या डेटा हमसे पूछा जाएगा, बिकॉज बेसिकली तो सबसे ज्यादा डेटा ही आता है इसके ऊपर। आपसे डेटा दे देंगे एंड दे विल आस्क कि आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। ओके, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोटेशन लैंग्वेज के ऊपर किसने दिया था, बिकॉज सोसाइटी में लैंग्वेज आती है। तो एक कोटेशन है यहाँ पर, लिख लीजिएगा। इफ गॉड हैड
सो विश्ड ही वुड हैव मेड ऑल इंडियंस स्पीक विद वन लैंग्वेज. द यूनिटी ऑफ इंडिया. हैज एंड शैल ऑलवेज बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये किसने बोला है? रविंद्रनाथ टैगोर. रिटन डन. तो ये था आपका थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में. अब हम कुछ लैंग्वेज के डेटा को लिखेंगे जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि भाई किस जगह पे कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कौन सी में सबसे ज्यादा बोली जाती है. मतलब इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक्चुअली में है क्या, लैंग्वेजेस कितनी है? ओवर 1600. वो आपने अभी जस्ट ही लिखी है. लेकिन देर आर सो, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी है? हिंदी आप जानते हो, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है. लेकिन देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. देखो भाई, अब जितना भी डेटा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि जो लास्ट अपने पास डेटा ऑथेंटिक है वो यही है, बिकॉज इसके बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं है. सो दिस इज दी ओनली ऑथेंटिक डेटा वी आर लेफ्ट विद. तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 1635 लैंग्वेजेस. ओके, और इसमें से भी टॉप मोस्ट कौन कौन सी हैं? हिंदी सबसे टॉप बोली जाने वाली, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेजेस. टॉप फाइव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है टॉप फाइव लैंग्वेजेस. देखो भाई फटाफट सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस में लिखोगे तभी फायदा, वरना कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन आए हैं आज तक. ठीक है, कोई भी सीक्वेंस देके आपसे पूछेंगे. हिंदी नहीं देते उसमें, बिकॉज सबको पता है कि हिंदी सबसे ज्यादा ही बोली जाती है. ठीक है, एज पर द डेटा हिंदी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो 52.83 करोड़ लोग बोलते हैं. दैट मीन्स पूरी पॉपुलेशन का 43.63%. ये परसेंटेज को लाइटली मत लीजिएगा. परसेंटेज 43 है तो 43 ही याद रखनी है, अपने आगे पीछे अपना दिमाग नहीं लगाना, जो है वो याद करना है. ठीक है, ऐसे ही बंगाली अराउंड 9.72 करोड़ पीपल स्पीक, विच मेक अराउंड 8.03% ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन. ओके, तो ठीक है भाई, थर्ड नंबर पे मराठी है, फोर्थ नंबर पे तेलुगु है. इसको करेक्ट कर लेना. मराठी यहाँ पर 8.30 करोड़ और तेलुगु यहाँ पर 8.11 करोड़, काफी पास ही है. ठीक है, तो मराठी के हो गए 6.86% और इनका हो गया 6.7%, और तमिल के हो गए, ये डेटा लिख लेना भाई, उसके बाद फिर गुजराती, उर्दू, कन्नड़, फिर उसके बाद और लैंग्वेजेस है.
ये टॉप 5 है, इनको लिखो। डन, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी हैज स्पीकर्स, हिंदी हैज स्पीकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट इट प्राइमरली एग्जिस्ट इन, बट इट प्राइमरली एग्जिस्ट इन, बट इट प्राइमरली एग्जिस्ट इन नदर्न स्टेट्स लाइक, नदर्न स्टेट्स लाइक, नदर्न स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड। मैम रिपीट करें। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, दिल्ली मैम है, पहले से हिंदी हैज स्पीकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट प्राइमरली इट एग्जिस्ट इन नदर्न स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। डन। ये थे अभी आज की क्लास के आपके नोट्स, ठीक है? बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी हमारी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इट इज जस्ट आज हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया है बस क्लास को, तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताइए भाई, यहाँ तक क्लास क्लियर हुई या नहीं? मैम हमारी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा, इस? टाइमिंग्स टाइमिंग्स क्या रहेगी वो आपको कल से मैसेज आ जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी के लिए आज सिर्फ एक मतलब फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए टाइमिंग रखा है, वैसे ही क्लास की टाइमिंग मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, ठीक है? तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो टेंशन नहीं लेना, बता दिया जाएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। एनी अदर डाउट? ओके देन, ओवर करते हैं फिर क्लास को। ओके मैम, ओके बाय एवरीवन।